समाजवादी पार्टी व्यापार सभा के निवर्तमान राष्ट्रीय सचिव वीरेंद्र रस्तोगी के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने राज्यपाल को संबोधित एक ज्ञापन प्रभारी एसडीएम को सौंपा। ज्ञापन में सभी श्रेणी की बिजली की दरों में प्रस्तावित वृद्धि का विरोध किया। सपा कार्यकर्ता एकत्रित होकर धामपुर तहसील पहुँचे, जहाँ पर उन्हें बिजली की दरों में प्रसाद द्विवेदी का विरोध किया। धामपुर जनपद बिजनौर, नवभारत समाचार से दिनेश कुमार प्रजापति की रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? मैं वीरेंद्र कुमार रस्तोगी। आज धामपुर तहसीलदार को बिजली की बढ़ती दरों को लेकर एक ज्ञापन सौंपा है, क्या कहना चाहेंगे? समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी के आह्वान पर आज पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर समाजवादी पार्टी व्यापार सभा ने, जो उत्तर प्रदेश सरकार नए प्रस्ताव ला रही है जिसमें घरेलू बिजली पर 18% और दुकानों की पर 25% और उद्यमी पर 30% का प्रावधान ला रही है, जिसके विरोध में आज हमने धामपुर में पहुंचकर तहसीलदार को ज्ञापन दिया है और मां महिम राज्यपाल से मांग की है कि इस प्रस्तावित प्रस्ताव को वापस लिया जाए, अन्यथा समाजवादी पार्टी व्यापार सभा पूरे प्रदेश के अंदर जन आंदोलन करेगी, सड़कों पर उतरकर धरना और प्रदर्शन।